शांति। ओम शांति शुभेन, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। निश्चय बुद्धि विजयंती, ये जो नया प्रोग्राम हमने अभी चालू किया है, आप सभी भाई बहनें इसको देख भी रहे होंगे, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ दीदियां, हमारे बड़े बड़े दिल्ली के और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारे वरिष्ठ भाई बहनें हैं, उनके अनुभव हम सुन भी रहे हैं कि कैसे निश्चय से उन्होंने विजय प्राप्त की, क्योंकि निश्चय एक अलग चीज है और विजय एक अलग चीज है। लेकिन बाबा ने कहा कि जितना हमारा निश्चय अटल है, उतना हमारा विजय निश्चित है। तो आज पुनः इस सीरीज में हम और आगे चलते हैं, और अब हम आज पहुंचते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका की हमारी आदरणीय वेदांती दीदी हमारे बीच में जुड़े हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। थैंक वेदांती यू बहन दीदी जी। को जो ये नाम दिया, वो नाम भी स्वयं बाबा ने दिया, और बचपन से ही आप इस ज्ञान में हैं, और बहुत आपने ब्रह्मा बाबा की साकार में पालना ली, और उस पालना का स्वरूप आज हम आपको देखते हैं कि आप में निश्चय तो अटल है ही है, और निश्चय के साथ जो बाबा कहता है रमणीक, वो आपके स्वभाव से, संस्कारों से हमने जाना भी है, और हम जब भी आपकी क्लासेस सुनते हैं तो अंदर एक रमणीकता, बाबा से प्यार और निश्चय अटल होता जाता है। वेदांती दीदी, अफ्रीका के बहुत सारे, आई थिंक 50, दीदी ने कहा वहां पे 50, पूरे कॉन्टिनेंट में 50 से भी ज्यादा सेंटर्स आप उसको संभालते हैं, और साथ ही साथ अफ्रीका में बहुत सेवाएं करने में दीदी को शुरू शुरू में काफी प्रॉब्लम्स, जैसे कहते हैं बाबा कि जब नई सेवाएं शुरू करते हैं तो एक कदम हम अपना उठाते हैं, बाबा के हजार कदम हमें मिलते हैं, तो वो आपके अनुभव रहे हैं। और मैंने जो पर्सनली आपको देखा है दीदी, कि ज्ञान में आप 65 से भी ज्यादा, 65 ईयर से भी ज्यादा आपको ज्ञान में हो गए, और उसका स्वरूप जो आज हम देख रहे हैं बहुत रमणीक, और उसके साथ बाबा पर अटल निश्चय और एक बल, एक भरोसे के आधार पर आप चलते हैं। तो दीदी, आपको बाबा ने नाम दिया वेदांती, और बाबा ने आपको साकार में इतनी पालना दी, तो आज हम सभी भाई बहने जो आपको सुन रहे हैं, आप हमें भी बताएं कि जो फेथ की बात हम करते हैं, तो स्वयं पे फेथ आपको कैसे आया कि मैं बाबा की बनूं और बाबा की सेवा में लगूं? पहले आप हमें इस पे थोड़ा सा बताएं। ओम शांति शुभेन। मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों ने मुझे आमंत्रण दिया, उस बात की भी मुझे बहुत खुशी है। और अभी ये निश्चय बुद्धि विजयंती के बारे में आज हमें आप चिट चैट करवाएंगे, उसकी भी खुशी है। तो आप जब फेथ के बारे में कहते हैं, तो मेरा ये अनुभव है कि मेरा भगवान के लिए फेथ इजी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बचपन में बहुत छोटी थी, 7 साल की थी, तब से माँ बाप, स्कूल में टीचर, कोई भी साधु संत, जो भी, इतनी छोटी उम्र में भी मुझे क्वेश्चन था कि भगवान कहाँ है, मुझे मिलना है बस। तो क्या है कि मैंने बहुत बहुत मेहनत की, सबको पूछा, सब कहते थे भगवान आपको जवाब देगा, अब मुझे पता नहीं कैसे देगा। तो मैंने फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई, भक्ति, योग, तपस्या, प्रार्थना, पूजा, सत्यनारायण की कथा, वो सब जो करना हो सब करने को मैं दिन रात मेहनत करती रही, साथ में पढ़ाई भी करती रही। मैं पढ़ाई में तो सारी लाइफ में नंबर वन रही हूँ, इसलिए मुझे पढ़ने की बहुत चिंता नहीं थी, भक्ति बहुत करती थी कि भगवान ही मेरा परीक्षा दे देगा बस। तो फेथ मो माउंटेन, ऐसा मैं प्रैक्टिकल में उस ढंग से चलती रहती थी। लेकिन मुझे बहुत मेहनत लगी और 15 साल की उम्र में बहुत मेरे पीछे शादी के लिए पड़े, और तब भी मेरे को हुआ कि मैंने भगवान को पाया नहीं, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ, पहले भगवान को पाऊँ। फिर बहुत मैं भगवान पर गुस्सा करती थी कि आप क्यों डरते हो मेरे से, मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो, मुझे बताओ आप कहाँ हो। तो ऐसे करते मैंने अपनी पढ़ाई में, BA MA की पढ़ाई में फिलोसॉफी साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया, रिसर्च करने के लिए कि कहाँ है भगवान, किस ढंग से मिलेगा। लेकिन वंडरफुल ये है कि ढूंढते ढूंढते
मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और बन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। वो आ गया मेरे घर आंगन में, ब्रह्मा कुमारी बहने हमारे घर आंगन में आ गई और हमको आमंत्रण दिया। हम सेंटर पे गए, ने ज्ञान सुना और बस मुझे इतना निश्चय हो गया कि ये अच्छा है, परंतु थोड़ा माउंट आबू जाके फाउंडर को मिलूं। 2 मास के बाद दादी जानकी पूना से आए, वो मुझे आबू ले गए और ब्रह्मा बाबा से मिली। तो मैं एक बुक में 100 प्रश्न लेकर गई थी, क्योंकि फिलोसोफर थी ना। परंतु जब बाबा के सामने बैठी तो दादी जानकी ने कहा कि ये भगवान को ढूंढती है। तो बाबा ने मेरे सामने ऐसी दृष्टि दी कि बाबा भी नहीं था, कुछ नहीं था, लाइट 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 इतनी। तो बाबा ने उसी बीच में पूछा, बच्ची भगवान मिल गया? तो मेरे पास शब्द भी नहीं थे, मेरी बुक तो एक बाजू रह गई। मैंने अपने सिर हिला के कहा हाँ मिल गया। तो बस वो घड़ी थी मेरे जीवन में कि सारे 33 करोड़ देवताओं के ऊपर एक लाइट है और वो लाइट आज मुझे मिला है और मुझे भगवान मिल गया है। बस वो मेरी बचपन की जो मैं फेथ से करती 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 आखिर में मेरे फेथ का रिजल्ट आया, मेरे को मिल गई लाइट, अनुभव हो गया और मैंने नक्की कर दिया चाहे माँ बाप भाई बहने परिवार कोई भी मुझे ब्रह्मा कुमारी चाहे बनने देवे या न देवे, मैं बनूंगी बनूंगी बनूंगी। लेकिन वो तो अंदर में सोच था। लेकिन एक बात, मुझे ब्रह्मा कुमारी ड्रेस अच्छा नहीं लगता था, मैं किसी को बताया नहीं था। 2 मास हो गए ज्ञान में तो भी, परंतु बाबा ने खाली, मैं 2 दिन आबू में रही, उसमें बाबा ने फटाफट 2 पैर सारे मेरे सेट बनवा के दे दिया। तो मैंने सोचा बैग में डाल के चली जाऊंगी। बाबा ने कहा बच्ची ये कपड़े पहन के आओ, बाबा देखना चाहते यही कपड़े पहन के अहमदाबाद जाना है, तो आप देख लीजिए। बाबा ने मुझे ब्रह्मा कुमारी बनाया, मधुबन गई उसके दूसरे दिन क्लास के बीच में, वेदांती नाम दे दिया, रिंग पहना दी, शॉल पहना दी। बस आप सोच लीजिए कि ये मेरे 100% फेथ की वो घड़ी थी 20 साल की उम्र में, और 6 मास में मैं सरेंडर हो गई। बहुत अच्छा दीदी, आपने बहुत ही, जैसे बाबा ने आपको एकदम, आपने संकल्प किया और बाबा ने वो संकल्प आपका पूरा किया, और वो फेथ जो आपने अपने पे रखा कि मुझे शादी नहीं करनी जब तक मुझे भगवान ना मिल जाए। तो दीदी, जैसे आपने भगवान की बात की, तो हम जब ज्ञान में चलते हैं तो एक प्रश्न और आता है दीदी, निश्चय के लिए खास आता है कि बाबा तो अब यज्ञ से चले गए, जब साकार बाबा यज्ञ से गए दीदी तो बहुत झाड़ हिल गया। तो आपको कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, ये आपको फेथ कब आया, मधुबन आने के बाद या आपने जब बाबा को सिर्फ सुना था तभी? जब मैंने पहली बार बाबा के रूम में बाबा से मुलाकात की हाँ जी, और उसी घड़ी मुझे ये अनुभव हो गया कि ये जो व्यक्ति दिखाई पड़ती वो अकेली नहीं, उनके साथ कोई पावर है। तो तब से मुझे निश्चय हो गया कि निराकार शिव परमात्मा ब्रह्मा बाबा में आके बोलते। कई बार जब बाबा बोलते तो वो शिव बाबा बोलते, ब्रह्मा बाबा बोलते, वो डिफरेंस भी मेरे को एकदम अनुभव होने लगा, वो पावर अनुभव होने लगा। बाबा अकेले, ब्रह्मा बाबा है तो व्यवहार, और शिव बाबा है तो एकदम बदल जाता था। तो वो सब मैंने पहले जो 2 दिन रही उसमें करीब 20 बार बाबा को मिली होंगी मैं, अलग अलग टाइम पे, कभी खाने पर, कभी वॉक करने पर, कभी बाबा ने गिफ्ट दिया, तभी कभी बाबा के साथ फोटो निकलवाया, तभी कभी क्लास में, कभी क्लास के बीच में बाबा ने खड़ा किया। तो मैंने पहली बार में ही 20 बार बाबा से ऐसे अनुभव कर लिया, और वो दिन से लेकर आज तक मेरे फेथ में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आता है आता है आता है, उसमें कोई दुनिया का कोई मुझे हिला नहीं सकता। मैं कई बार बाबा को कहती हूँ, बाप दादा जाओ सारी दुनिया में जाके देखो, अगर मेरे जैसी दूसरी वेदांती मिले तो मुझे छोड़ देना। ऐसे मैं सामने निश्चय से बाबा को कहती थी, बाबा आपको दुनिया में मेरे जैसी वेदांती दूसरी कोई नहीं मिलने वाली है और मैं आपको कभी छोड़ नहीं सकती, आप देख लो दूसरी मिले तो मुझे छोड़ना। अच्छा दीदी, बहुत अच्छा कि आपने इतने नशे से, और अभी आप इतने नशे से कह रहे हैं, तो उस समय का नशा तो दीदी और अब का नशा आपका, वो भी पहले वाला से ज्यादा आपके नशे नशे में हम आपको देख रहे हैं। तो दीदी, जो आप कह रहे हो कि पूरी दुनिया में जाके मैंने बाबा को कहा देख लो मेरे जैसा वेदांती और कोई नहीं, तो दीदी जब ब्रह्मा बाबा का पार्ट पूरा हुआ यहाँ पर,
और फिर उसके बाद बाबा ने दादी गुलजार जी का रथ लिया, तो दीदी कोई प्रश्न उठा या वो भी क्या उन्होंने है एक्सेप्ट कर लिया? कि क्या है कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा ने, तो वो ऐसी बात है कि बहुत इंटरेस्टिंग। मैं और मेरी सिस्टर दो अहमदाबाद सेंटर पे थे और सरला दीदी बड़ौदा में एग्जीबिशन के लिए गए थे हमको सेंटर देके। और रात को हमको 11 बजे, 10:30-11 बजे कोई, क्योंकि सेंटर पे फोन नहीं था, तो कोई भाई था, कोई बाबा का बच्चा, वो आया और सेंटर का दरवाजा विंडो खटका के कहने लगा, विरांती बहन आपको न्यूज सुनाता हूँ जल्दी जल्दी कि आपके बाबा मर गए, आपके बाबा ने शरीर छोड़ दिया है, और मेरे मम्मी पापा और सरला दीदी तो बड़ौदा में है, उनको भी इन्फॉर्म मैं कर रहा हूँ, और मैं जल्दी जल्दी आइस की व्यवस्था करके आपको भेज रहा हूँ। मैंने कहा तुम यहाँ से भागो, ऐसी ऐसी बातें नहीं करो। बोला सच्चा कह रहा हूँ, मानो नहीं मानो। वो चला गया, तब से लेकर हम दोनों बहनें, अभी फोन नहीं है, कुछ नहीं, किसको क्या बोले। सरला दीदी और वो लोग आ गए सुबह को 3 बजे बड़ौदा से, वो जल्दी जल्दी तैयार होके गए और बोला क्लास में जो भी आए सबको आप बोलो कि बस योग करना है और कुछ नहीं करना है, मुरली बुली कुछ नहीं पढ़ना है, योग करना है। तो बस हम लोग बैठे रहे, हम दोनों के सारी रात निश्चय की वो परीक्षा आ गई कि ब्रह्मा बाबा ने कहा था हम साथ में लेकर जाएंगे, और ये क्या चले गए तो भी हमारा क्या होगा, ये एक था। परंतु हम दोनों इतने निश्चय विभूति होके बैठे थे, अहमदाबाद तो आबू के बाजू में है, अभी 1-2 दिन में जब भी तक फ्यूनरल में बहुत लोग जाएंगे, वो सब यहाँ से पास होंगे, तो हम ही आधार मुहूर्त है। तो ऐसे करते हम बैठे, फिर तो आते रहे लोग, आके फटाफट सेंटर में आते पता चलता था, बस अपना गाड़ियां लेके ट्रेन में चले जाते थे। फिर मेरी सिस्टर ने कहा मैं नहीं रह सकती, वो भी भाग्य में अकेली रह गई। अब मैं सरला दीदी को पूछ नहीं सकती, फोन वोन कुछ नहीं था, क्या करूं। तो बस मेरे नेबर ने कहा कि आपका सेंटर लॉक करके चाबी हमको दे दो, 2 दिन के बाद रात की ट्रेन में बिठा दिया। तो मैं जाके आबू पहुंची, तो फ्यूनरल के अगले दिन तो वो सारे हॉल में सब बैठे हुए थे, हिस्ट्री हॉल में, और हमने वो सारा सीन सब देखा, संतरी दादी में बाबा के सारा कह दिया, आगे का क्या होगा वो सब सुना। परंतु जब फाइनल विधि में जाने का था तो सारे हॉल में सब शांति थी, मैं ही एक थी तो जोर से रोने लगी। मैंने की शुरू किया तो सबके वाइब्रेशन, सबका ही शुरू हो गया। तो बस वो थोड़ी देर वो हुआ, परंतु जब भी ये सारा प्रोग्राम बना और ये बताया गया कि बाप दादा गुलजार दादी में आएगा, तो मेरे को एक एक स्टेप इतने निश्चय लगे कि तब से लेकर आज तक मेरे को कभी एक क्वेश्चन नहीं हुआ है कि बाप दादा गुलजार दादी में कैसे आते हैं, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है एकदम मेरे को। तो मैं इंतजार करती, कभी मैं नैरोबी में हूँ तो भी अभी भी रिवाइज कोर्स की मुरली चलती, तो मुझे लगता है बस बाप दादा आए हुए हैं, और मेरे को सूक्ष्म वतन, मूल वतन और बाप दादा और ब्रह्मा बाबा, गुलजार दादी, शिव बाबा, किसी में कोई फर्क नहीं नजर आता, एक वन यूनाइटेड फैमिली, और उनके साथ मैं हूँ। यही अनुभव से अब तक मैं अफ्रीका में निश्चय से चल रही हूँ। बहुत अच्छा दीदी, जैसे दादी गुलजार जी का पाठ है और दीदी हमने ये देखा है कि आप भी बाबा के पास जाते हैं संदेश लेके, तो दीदी जब आपका संदेश का पाठ चला, तो संदेश के पाठ चला, आप हम सबके लिए संदेश लाते भी है या जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे भी बाबा आपको एज अ संदेश ही कहते हैं, तो दीदी जब कभी ये आपका जो संदेश का पाठ चला, इसमें कि बाबा ने आपको दिया, आपको देख के दूसरे के मन में संशय कभी आया या आपको ये फेथ था कि बाबा ने मुझे सेवा के लिए चुना? क्या है कि मैं है ने तो वैसे ये ट्रांस में बहुत इंटरेस्टेड थी नहीं, परंतु क्या हुआ कि मैं और चंद्रिका बहन दोनों बहनें बचपन से सब बात साथ में करते, तो दोनों ज्ञान में आए, मैं सरेंडर हुई, फिर वो भी सरेंडर हुई। तो क्या है कि अभी वो सरेंडर भी नहीं हुई थी और हम मधुबन आए थे, बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने उसको स्टेज पे बिठा दिया और उसको ट्रांस में भेज दिया और मैसेज लेके आ गई। तो मेरे को थोड़ा जेलस होने लगा मेरे को, कि हम दोनों बहनों को बचपन से हमारे माँ बाप सब कुछ सरीखा देते हैं, और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को भी ठीक सरीखा देना चाहिए, तो उनको मिला मेरे को कब मिलेगा। तो मैंने 1-2 साल हो गया ने, तो चंद्रिका बहन को पूछा आप जरा बाबा को पूछो कि तुम जास्ती प्यारी हो और मैं कम प्यारी हूँ। उसने बाबा को पूछा तो बाबा ने कहा, एक तराजू दिखाया और तराजू में हम दोनों बैठे हुए थे और दोनों एक लाइन में थे। तो बाबा ने कहा देखो ये तराजू, आप बाबा के दिल में आप दोनों एक लेवल में हो, पर जिनको जब भी जरूरत होती तब मिल जाता है। दीदी
तो बाबा ने कहा बच्ची को जरूरत होगी तो मिलेगा पार्ट। जी बस तो वो तो बस जवाब आ गया, तो चंद्रिका बेन घर में थी, स्कूल में पढ़ती, कॉलेज में पढ़ती थी, तभी मिला था वो पार्ट। फिर मेरा क्या हुआ कि मेरा अहमदाबाद से बॉम्बे ट्रांसफर हो गया, बॉम्बे पुष्प शांता दादी के पास रहती थी। पुष्प शांता दादी आबू गई तो आतम मोहन दादी ने कहा अभी तुम बैठो, मैं सामने बैठ के दृष्टि देती, जाओ बाबा के पास, दादी नहीं है तो तुम भोग लगाओ। तो मैं तो बस 3 गीत बजे भोग लगा के वापस आ गई, मतलब ट्रांसफर गई ही नहीं। तो कहा नहीं गई, मैंने कहा मुझे नहीं आता है। फिर दूसरे गुरुवार को बिठाया, फिर ऐसे किया, फिर कुछ नहीं हुआ। तो मैं तो रो रही थी, ये क्यों मेरे पीछे पड़े हुए, मुझे नहीं जाना है ट्रांस में। बोला नहीं। तो तीसरे गुरुवार को बिठाया और पता नहीं क्या हुआ तीसरे गुरुवार को, तो दादी ने दृष्टि दी फ्लोर पे बैठ के, आत्मोहन ने दादी ने, और मैं ट्रांस में चली। जब अच्छा, ओके। मैं ट्रांस में चली गई तो अभी वो पहला अनुभव होगा जो भी होगा, ट्रांस में बाबा ने बहुत खेल कूद कराया, एक बहुत अच्छी मशाल दी मेरे को और कहा ये मशाल लेके, तभी मैं अफ्रीका या कहीं नहीं गई थी, बॉम्बे में ही थी। बाबा ने मशाल दे के कहा बच्ची ये मशाल लेके सारे विश्व में तुमको बाबा का मैसेज पहुंचाना है, ऐसे मशाल वगैरह दिया और ऐसे जो भी। फिर मैं जब वापस आई तो मेरे में ताकत नहीं थी बोलने की, और मैं तो एकदम डर गई थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई, ये क्या हो गया। तो ये लोगों ने मुझे उठा के सुला दिया, तो वो फिर 4 घंटे तक मैं सोई रही। फिर 4 घंटे बाद उठी तो इन्होंने कहा तुम ट्रांस में गई थी तो वो सुनाओ क्या अनुभव था। तो फिर मैंने उन्हों को सुनाया, फिर तो सारे बॉम्बे में से सब सेंटर के फोन आने लगे, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। तभी मुझे थोड़ा हुआ और फिर धीरे धीरे हिम्मत आते आते वो पाठ शुरू हो गया। और कमाल है वो पाठ शुरू इसीलिए हुआ कि थोड़े ही समय में मेरा अफ्रीका का पाठ था। तो अफ्रीका में तो अचानक जरूरत पड़ती होगी तो शायद बाबा गिफ्ट देना चाहता होगा। और अफ्रीका की और विश्व की सेवा में सबसे पहले, मतलब वो 5 भाई बहने तो गए थे टूर करने, पर जो लंदन और लुसाका अफ्रीका में सेंटर खोलने में जो पहली 4 की टीम निकली उसमें मैं थी, मैं सुदेश बहन, लता बहन और शिलू बहन। तो ऐसे फर्स्ट टीम में ही जाना का हुआ। तो ये जैसे ट्रांस का बाबा को जरूरी होगा तो दे दिया। तो दीदी, ये जो ट्रांस का पार्ट चला, आपने अच्छे से हम सबको बताया, समझ भी आया दीदी। तो इस ट्रांस के पार्ट के मिलने से, या बाबा ने, जैसे आपने कहा कि बाबा को ऐसा लगा कि अभी बच्ची का पार्ट चेंज हो रहा है, अफ्रीका की सेवा करनी है, तो दीदी इससे आपका निश्चय और बढ़ा, बाबा पे सफलता, आपको लगा कि मेरी सफलता मतलब विजय मुझे और मिल रही है, या आपको कहा ठीक है, ना भी था तो भी ठीक था, या ऐसे भी ठीक है? नहीं, मेरे को तो ट्रांस के पार्ट के पहले भी बहुत अच्छी सफलता मिलती थी और बाबा बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराते थे। तो मुझे 1% भी कोई, मैं नहीं कह सकती ट्रांस के पहले और ट्रांस के बाद में कोई फर्क नहीं है, पहले भी सफलता अभी भी सफलता। और मैं ये आपको बता दूं कि ट्रांस में मैं खाली मधुबन में जब स्टेज पर बिठाते तभी जाती हूँ, या यज्ञ से मुझे कहा जाता है मैसेज ले आओ तभी जाती हूँ, यहाँ घड़ी घड़ी में हर गुरुवार को ट्रांस में कभी नहीं जाती हूँ। कोई बहुत अनन्य का कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कोई नेसरी छोड़ा तो, पर मैं जाती नहीं हूँ। मैं अमृत वेला हर गुरुवार को बाबा के पास जाती हूँ, कोई इमरजेंसी बात है तो अमृत वेला पूछ के फिर बता देती। मैं क्लास के सामने नैरोबी में कभी भोग नहीं लगाती हूँ ट्रांस में। जी दीदी, तो दीदी निश्चय बुद्धि विजयंती, तो दीदी ये आपके निश्चय की हमने एक बात और देखी कि निश्चय है तो वो पहले भी सफलता थी, अब भी सफलता है, और जैसे आपने बताया कि ये जो कोविड का दीदी समय चल रहा है, और आपसे अभी थोड़े दिन पहले मेरी बात हुई तो आपने कहा कि कोविड के सिम्टम्स हमने देखे हैं पूरी दुनिया में, और मेरे को बहुत अच्छा इसका अनुभव है आपने अभी का। तो दीदी जैसे जैसे हम, जब निश्चय हमारा बढ़ता है और हम निश्चय बुद्धि बनते हैं, विजय हमको मिलती है, तो दीदी कुछ ऐसी धारणाएं होती हैं जिसके कारण बाबा की भी मदद हमें मिलती है। तो दीदी निश्चय बुद्धि होने में, सफलता प्राप्त होने में, विजयी होने में आपका अपना स्वयं का क्या पुरुषार्थ रहा, क्या आपकी धारणा रही जो आपका निश्चय अटल और बना रहा, और अभी तक भी 100% से भी ज्यादा आप कहते हैं कि मुझे निश्चय है कि बाबा है, शिव बाबा मेरा साथी है? इस बात का मैं एकदम रिसेंट अनुभव सुनाती हूँ कि लास्ट ईयर मार्च में केनिया में कोरोना का
एटमोस्फियर शुरू हो गया, पेशेंट शुरू हो गए, तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे सब कायदे कानून निकाले, लॉकडाउन का ही जो भी, वो हम सब फॉलो करते जाते थे। लेकिन हमने लोगों ने तो 16 मार्च से ही, मार्च महीने से ही हम लोगों ने, हम घर में 10 लोग थे, तो अलग अलग प्रकार की भट्टियां को प्लान बनाते बनाते 122 दिन तक कंटिन्यूअस भट्टियां की, वो सब कुछ किया। उसके बाद अगस्त में हम लोगों ने हमारे सेंटर को गोडली पावर बैंक बना दिया, जिसमें सारे वर्ल्ड के 1000 रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ योग में जुड़े हुए हैं, योगा की बैंक बना दी। और यहाँ के कंट्री के भी कई लोग विजिट करने आए, जब भी ओपन होता था तो बीच बीच में बड़े जोर से अच्छी तरह फंक्शन किया, सब कुछ किया, वो बहुत अच्छा चल रहा था। और हमें इतना निश्चय कि 1 साल हो गया, मार्च महीने में इतना निश्चय कि 1 मास हो, 1 साल हो गया, हम घर में सब सेफ है, हमारे पास घर में 16 सर्वेंट है, सब सेफ है। तो बाबा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे करते करते मैं फिर इंडिया आई, क्योंकि इंडिया में हमारे दादी जानकी का प्रोग्राम था, गुलजार दादी का भी सब कुछ था, तो मैं आई। और मैं यहाँ से गई तो नेगेटिव, फिर वहां से आई तो नेगेटिव, सब कुछ करके यहाँ आई। तो 2 3 4 हमारी इंटरनेशनल एनसीसी से रिट्रीट का सारा प्रोग्राम किया। फिर मुझे विचार आया, 1 साल हो गया घर में सब घूम रहे हैं, चलो चेक कराते हैं। तो हमने 27 लोगों का चेक कराया, वो 27 लोगों का चेक कराया तो हमारे सारे सर्वेंट का नेगेटिव आया, तो हम निश्चिंत हो गए, बाबा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो लोग गोल घूम रहे हैं पर नेगेटिव है। फिर हमारे घर में हम लोग थे, उसमें से हम 8 लोगों का एक एक करके पॉजिटिव धीरे धीरे आता गया, क्योंकि सबका साथ, मतलब तो क्या है कि सबका, ऐसे करते करते हम 8 लोग क्वारंटाइन में, और खाली 2 लोग बाहर घूम रहे हैं, 2 3 लोग घूम रहे हैं जिनका नेगेटिव है। तो अभी एक मैं रूम में, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, एक एक, तो मैं बाबा से झगड़ा करने लगी कि 1 साल बचा है, अभी आप क्या चाहते हैं, एक एक को रूम में क्यों डाल रहे हो, और 2 ही लोग ये खाना पका के रूम में ब्रेकफास्ट लंच डिनर देते, टू मच। और मैं मेरी लाइफ में कभी एक रात भी अकेली नहीं रही हूँ, कभी भी। मेरे को दूसरा आजू बाजू मेरे लोगों के बीच में अच्छा लगता, फर्स्ट टाइम मैं रूम में अकेली हूँ, मैंने जिंदगी में कभी दरवाजा मेरा बंद नहीं किया, अभी दरवाजा बंद करना है, अंदर बैठे रहना है। तो बाबा से मैंने झगड़ा करती थी कि क्या बाबा ये क्या बात आ गई है। तो किसी ने मुझे फोन में पूछा, अभी बहुत योग लगता है, मैंने कहा मैं नहीं योग करती हूँ, मैं बाबा को कहती तेरे को मेरी जरूरत है, मुझे याद करना, क्यों योग नहीं करती हूँ, क्या योग करूँ, सुबह उठे नाश करो, फिर दवाई लो, ये दवाई लो, वो दवाई लो, फिर सांस लो, फिर नाश लो, ये सब बातें आने लगी। सुबह से रात तक दिन ऐसे ही बीत जाता था, फिर थोड़ा विंडो में बैठो, धूप में बैठो, ये करो वो, फिर फोन पे तो बोलने की ताकत भी नहीं। तो ऐसे 14 दिन में मेरा बाबा से बहुत डीप, जैसे कि बाबा आपको मेरी जरूरत है, हमारा 8 लोगों को आपको आपने क्या कर दिया। तो मुझे बाबा को मैंने पूछा, फिर तो ट्रांस में पूछा, तो बाबा ने कहा बच्ची अगर तुम अफ्रीका के हेडक्वार्टर में बैठे हो, अगर तुम लोगों को 1 साल तो बचा दिया तो थैंक यू करो, अभी तुम लोग ये अनुभव नहीं करते तो भविष्य में दुनिया के लोग किस बात से पास हुए वो आप लोग कैसे सुना सकते। तो दुनिया का दुख, दुनिया की तकलीफ, दुनिया की परेशानी वो आप लोग अनुभवी बनेंगे तो जोर से कह सकेंगे कि ऐसे समय पर हम कैसे निश्चय से आगे बढ़ते। हम सभी का एक ही श्लोक था, हॉस्पिटल में नहीं जाना है, हॉस्पिटल में एक भी नहीं जावे, हॉस्पिटल में किसी को नहीं जाना। इशू बहन मैं आपको क्या बताऊं, हम सबको घर ही घर में ट्रीटमेंट से, डॉक्टरों की एडवाइस से, ब्लड चेकिंग से सब ठीक हो गया, एक को भी हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ा। तो हमारा निश्चय जो था ना 100%, अभी 200% हो गया, हम सब बाहर आ गए, अभी 1 वीक में सब बाहर आ गए हैं, और सब भी नॉर्मल है, और सब एकदम अच्छा चल रहा है। पर खाली सेंटर को अभी क्वारंटाइन, एक स्टूडेंट को नहीं आने देते हैं, तो सारा अप्रैल महीना भी अप्रैल के एंड के बाद आगे सोचेंगे। तो ये हमारा निश्चय डबल, तो हम कोरोना को कहते हैं थैंक यू कोरोना, तुमने हम सबको भगवान से एकदम नजदीक रहने का एकदम पावरफुल अनुभव करा दिया, जो भगवान को जो कहे वो हमारा करने लगा। और ऐसे बाबा के लिए तो जैसे गले लगा हुआ है बाबा, ऐसे बस अनुभव है। बहुत अच्छा दीदी, ये जो आपने कहा कि जो कोरोना का दीदी अभी समय चल रहा है, इसमें हमारी निश्चय की परीक्षाएं चल रही हैं। मतलब कि हमारा बाबा पे अगर फेथ है, जैसे आपने कहा कि बाबा ने हमें ये एक
पेपर दिया, एग्जाम दिया कि हम अनुभवी बने ताकि संसार की आत्माओं को हम बता पाए। तो दीदी आपका क्या ऐसा एक पुरुषार्थ रहा जो मैं पूछ रही थी कि कौन सा आपका पुरुषार्थ है, धारणा है, जिससे आपका ये निश्चय अटल है, इसमें कभी भी संशय नहीं आता, मुझे, हाँ, पेपर हो जाए। मुझे एक बात का पक्का निश्चय है कि ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, तो ये अचानक नहीं आया है और ये प्रॉब्लम भी नहीं है, ये डिफिकल्टी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये ड्रामा की सीन जो कल्प पहले नैरोबी सेंटर पे हम सब ने जो पास की थी वो हम सब पास कर रहे हैं, तो ड्रामा का निश्चय था मुझे। दीदी अब समय बहुत शेष है हमारे पास। दीदी आपका एक सेवा के क्षेत्र में, जब हम सेवा के क्षेत्र में, दीदी आपने बताया कि आप अफ्रीका में हैं और नई नई सेवाएं शुरू हुई, तो दीदी सेवा के क्षेत्र में आपने बाबा पे निश्चय रखा, और लेकिन सेवा के क्षेत्र में जब आप आए तो आपको लगा कि बहुत सारी माया है, पेपर है, एग्जाम है, लेकिन बाबा मेरे साथ खड़ा है। तो अपना सेवा के क्षेत्र में निश्चय का अनुभव बताइए दीदी। वैसे तो बहुत सारे अनुभव है, पर एक अनुभव ऐसा है कि एक दिन यहाँ नैरोबी सेंटर पे मैं लंच ले रही थी और रिसेप्शन से अंदर फोन आया कि कोई आपको मिलने आ रहा है, मिलने आया हुआ है। तो मैंने कहा उनको बोलो बैठे, बोला नहीं बहुत गुस्से में है वो, जल्दी जल्दी आपको मिलना चाहते, मैं मेरा खाना छोड़ के हाथ धो के आई, तो वो रिसेप्शन से ही में ही मेरे से गुस्सा करने लगा कि आप अपने मन में क्या समझते हो ऐसे। मैंने कहा आपको भाई क्या प्रॉब्लम है, तो चलो हम बैठ के बात करते हैं, क्योंकि आजू बाजू सब बहने भाई भी थे, तो मैंने एक रूम में उसको कहा आओ यहाँ बैठ के बात करते। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है भाई आपको, तो बोला कि आप मेरी माँ को यहाँ क्यों आने देते हो। मैंने कहा यहाँ तो हजारों लोग आते जाते, मुझे क्या पता, मैं पहली बार तेरे को देखती, तुम्हारी माँ कौन है मुझे मालूम नहीं है, तुम्हारी माँ यहाँ आवे पसंद नहीं है, तो उसको स्टॉप कर दो। बोला नहीं, सारा दिन हमको ज्ञान में वो चलती है तो बहुत डांटती रहती है, ये नहीं करो वो नहीं करो वो नहीं करो वो नहीं करो, तो मेरे को बहुत गुस्सा आ गया है। तो घर में मैं गुस्सा उस पर बहुत आया, तो मैंने सोचा आपके पास ही आ जाऊं, आप बहुत बोलो नहीं, नहीं तो आपका सेंटर बंद करवा दूंगी करवा दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो करवाना। बोला बहुत नहीं बोलो, ऐसे करते उसने अपने पॉकेट में से गन निकाल के मेरे को दिखाई कि मैं आपको शूट कर दूंगा। तो जब उसने ऐसे कहा तो मैंने मुस्कुरा के कहा भले कर दो। बोला तैयार हूं, मैंने कहा। बोला कैसे तैयार हो गए, तो मैंने कहा कि आप अगर मुझे शूट करोगे तो मैं मेरे भगवान के पास जाऊंगी, आप मुझे शूट नहीं करेंगे तो मैं भगवान की सेवा करूंगी, मैं यहाँ खुश हूँ मैं वहां खुश हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो करो, पर अगर आप करने के बाद आप खुश हो तो भले करो। तो जब मैंने ऐसे बोला शांति से और प्यार से और मुस्कुरा के, तो उसने मेरा चेहरा देखा, वो पावर होगा बाबा का, तो उसकी गन उसने अपने बाजू में रख दी और फिर अपना सिर को ऐसा पकड़ के बैठ गया कुछ घड़ियां, और फिर कहता है कि सॉरी मैं घर में इतना गुस्से में था, मेरी माँ के ऊपर गुस्सा नहीं कर सका, चांस नहीं था, तो मैं यहाँ आ गया आपका गुस्सा कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी आपकी माँ है मैं भी आपकी माँ हूँ, कोई चिंता नहीं करो, पर अभी यहाँ से जब जाओ तो गुस्से में नहीं जाओ, आपका काम बाहर बिगड़ेगा, शांति से कुछ पानी पियो चाय पियो कुछ खा के जाओ, ऐसे करके मैंने मंगवाया और मैंने कहा ये लेके जाओ। तो फिर रूहरेहान जो भी थोड़ी थोड़ी हुई, तो फिर उसको उसने कहा जब जाता जा रहा था कि ये मेरा नंबर है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, भविष्य में आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होने तो आप मुझे फोन करना, मैं आपकी मदद में आऊंगा। तो आप सोच लीजिए कि उसको बाबा ने शांति का, प्यार का और भगवान की शक्ति का अनुभव करा दिया होगा। तो इस प्रकार का ये एक मेरा अनुभव रहा कि आया था ऐसे गुस्से में और गया शांति से और कॉन्टेक्ट सोल बन गया। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा लगा आपने अपने अनुभव से हमें बताया कि निश्चय कैसे आपने रखा, और कैसे निश्चय रखने के बाद आपको हर कार्य में सफलता मिलती चली गई। तो दीदी हमारे भाई बहने इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप हमको सभी भाई बहनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि निश्चय रखेंगे तो सफलता है, या निश्चय रखते चलें सफलता हमारे साथ है? क्या है, जो भी सुनने वाले भाई बहने हैं उनको इसी घड़ी में कहती हूं, इसी घड़ी अपने आप से प्रॉमिस ले लो
कि हमने भगवान को जीवन दिया है, ये विश्व परिवर्तन भगवान कर रहा है और ये ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है और हम तो एक छोटी सी आत्मा है और वो हमारा पिता हमको अभी ये दुनिया का नाटक पूरा हो रहा है तो वापस लेने आया है। तो हमें उस बाप में इतना निश्चय होना चाहिए, भले आत्मा नहीं दिखाई पड़ती, बाप नहीं दिखाई पड़ता, ड्रामा नहीं दिखाई पड़ता, परंतु हमें इतना निश्चय होना चाहिए, इसी घड़ी से निश्चय कर लो कि कुछ भी हो जाए हमारा निश्चय कभी हिलेगा नहीं, क्योंकि भले परीक्षाएं आएगी, एक बार दो बार तीन बार फेलियर लगेगी, पर निश्चय बुद्धि विजयंती, ये मेरा 100% अनुभव है। आप लोग प्लीज अभी से संकल्प कर लो, कितने भी आंधी तूफान के बाद, क्योंकि अभी टाइम नहीं है सुनने का सुनाने का, पर मेरे पास और भी बातें हैं कि बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने मेरा, शिव बाबा ने मेरा दो दो मास अनु टेस्ट पेपर लिया था। जिस समय मैं सेंटर पे थी, मेरे पास कोई खाने पीने का नहीं था, रोटी तेल मिर्ची और लगा के खाती थी, खाली दो रोटी सुबह से, घर में कुछ नहीं था, भंडारे में पैसा नहीं था, मैं किसी को कहना नहीं चाहती थी, नहीं तो मेरे माँ बाप घर ले जाए। बाबा ने मुझे कहा था, बच्ची तुम सरेंडर हो जाओ, शाहूकारों की सेवा करेगी, और दो मास कोई नहीं आया, गरीब आते थे तो, और उसके बाद दो मास के बाद एक शाहूकार आया, तब से लेकर 65 ईयर में शाहूकार 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 ही मेरे पास आते हैं, मेरी टेस्ट पेपर उसमें फुल पास हो गई। बहुत अच्छा दीदी, थैंक यू, आपने अपने अनुभव हमें बताए और हमने देखा दीदी, तभी आप इतनी सेवाएं अफ्रीका में रहकर भी आप बाबा की इतनी सेवाएं कर पा रहे हैं, और जैसे आपने साहूकारों के बारे में बताया तो बहुत सेवाएं दीदी आपकी हुई हैं, हमने प्रत्यक्ष रूप में भी आपको देखा है, जब आप इंडिया आते हैं तो यहाँ पर भी आप सेवा और सेवा और सेवा में ही अपने आप को व्यस्त रखते हैं। थैंक यू दीदी, आपने समय दिया और हम सभी भाई बहनों को भी मैसेज दिया कि अपने निश्चय को बढ़ाते चले, निश्चय बुद्धि विजयंती। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, थैंक यू।